हाय फ्रेंड्स, अध्ययन गुरु के साथ में मयंक त्रिपाठी। जैसा कि हम सभी लोगों को विदित है कि हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे, दो वीडियो जा चुके थे, ये तीसरा वीडियो है इस संदर्भ में। मुझे पूरी आशा है जो लोग साथ साथ चल रहे होंगे उन्हें आनंद आ रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा समय गंवाए बगैर आगे बढ़ते हैं। आज हमने अफ्रीका महाद्वीप में जहाँ पर बात करनी है वो है वहाँ की झीलें। झीलों पे बात करेंगे और केवल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि सारा कुछ समेट पाना संभव नहीं होता है। ऑफलाइन स्टडी पे भी फोकस रखिएगा, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है परीक्षा की दृष्टि से बता ही देना चाहिए, केवल उन्हीं चीजों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विक्टोरिया झील। ये जो भूमध्य रेखा के पास हमने ट्रेस करी हुई है, ये विक्टोरिया झील है। केन्या एक देश, दूसरा देश युगांडा। हाथ से बनाते हैं, मैप में कहीं पे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान रखें। और एक तीसरा देश तंजानिया। केन्या, युगांडा एवं तंजानिया, विक्टोरिया झील का उद्गम कहां पे है? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर विक्टोरिया झील का उद्गम है और ये तीन देशों के सीमा पर स्थित है। केन्या युगांडा, के फॉर केन्या, यू फॉर युगांडा, टी फॉर तंजानिया। तो विक्टोरिया कट के नाम से इसको याद कर सकते हैं, विक्टोरिया कट। केन्या युगांडा तंजानिया, इस प्रश्न को अपने मस्तिष्क में रखने का यही तरीका है। विक्टोरिया कट से विक्टोरिया झील का उद्गम होता है। चूंकि विक्टोरिया झील की बात की है तो यहां से हमने एक नदी निकाली हुई है जो आगे जाकर के आपको स्पष्ट किया जा चुका है, यह भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में मिल जाती है, जिसका मुहाना भूमध्य सागर में। यहां से विक्टोरिया झील से जो नदी निकलती है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया कट, केन्या युगांडा तंजानिया, और यहां से जो नदी निकलती है वो व्हाइट नील, श्वेत नील, श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकलती हुई जा रही है। यहां पर एक देश है, ये इथोपिया। इथोपिया से निकलती है एक झील, टाना झील, टाना भी लिख लेंगे। इथोपिया से इसका उद्गम होता है। और इसी टाना झील से एक और नदी निकलती है जो सूडान में जाके मिलती है, उसका नाम है नीली नील, ब्लू नाइल रिवर। टाना झील, टाना झील का उद्गम कहां से हो रहा है? टाना झील कहां पर है? टाना झील है इथोपिया में, मैं यहां पे मेंशन कर चुका हूं। तो जब ये नीली नील और श्वेत नील दोनों मिलती हैं, और ये मिलती कहां पर है? सूडान में, सूडान की राजधानी खार्तुम। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल दोनों ही सूडान की राजधानी खार्तुम में मिलती हैं, और इसके आगे ये नील नदी के नाम से जानी जाती हैं, और फिर ये मिस्र, इजिप्ट होते हुए भूमध्य सागर में चली जाती है। मिस्र में इसी नदी के किनारे यहां पर एक झील और है, नासेर झील, मिस्र। ये नासेर झील, नासेर झील क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ये पूछा जा चुका है कई बार परीक्षाओं में। नासेर झील पर ही आसवान बांध बना हुआ है। आसवान बांध, जो कि जल विद्युत उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र है मिस्र में, अफ्रीका में,
तो वो नासेर झील पर ही बना हुआ है। तो अभी हमने देखा कि टाना झील इथोपिया से निकलती है और यहीं से कौन सी नदी निकलती है, नीली नील। शीघ्रता से ज्यादा जरूरी है कि आपके मस्तिष्क में सुरक्षित रहे। नासेर झील मिस्र में है। इसके साथ जो प्रश्न हम जोड़ के आगे ले जाएंगे वो ये है कि यहां पर कौन सा बांध निर्मित है, कौन सा डैम है। तो आसवान बांध, आसवान डैम, यहां पर बड़ी बड़ी दीवाले बना के जल को रोक लिया गया है। और विक्टोरिया झील जिसका उद्गम भूमध्य रेखा पर ही है, केन्या, युगांडा और तंजानिया देशों पर मिलती है, इसको हम विक्टोरिया कट, के यू टी, के फॉर केन्या, यू फॉर युगांडा, टी फॉर तंजानिया, विक्टोरिया कट से निकलती है। और यहां से जो नदी निकलती है विक्टोरिया कट से, वो श्वेत नील। तंगनिका झील तंजानिया का स्मरण रखेंगे। मलावी, इसमें भी तंजानिया। कभी अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए, निम्न में से कौन सी झील तंजानिया की सीमा को स्पर्श नहीं करती है, तो देखिए विक्टोरिया झील यह भी तंजानिया की सीमा को स्पर्श करती है, टंगनका झील यह भी तंजानिया की सीमा को स्पर्श करती है, मलावी, इसका हम डिटेल दिए दे रहे हैं। ये मलावी, मलावी एकदम जहां पे हमने आपको पिछले वीडियो में मोजाम्बिक, मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक आइलैंड, और यहां पे मोजाम्बिक कंट्री है, मोजाम्बिक कंट्री के ठीक पीछे मलावी देश स्थित है। मलावी देश और इसी के साथ तंजानिया, मलावी और तंजानिया इन दोनों के साथ ही मिला के सीमा बना रही है। मलावी है, तंजानिया है, तो हमें ये इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। मलावी में भी तंजानिया, मलावी झील में भी तंजानिया है। टंगनका झील बिल्कुल ठीक ऊपर तंजानिया में, ये टंगनिका और भी देशों के साथ सीमा बनाती है, लेकिन हम यहां पे जिस पे फोकस कर रहे हैं वो केवल ये बात है कि तंजानिया, टंगनिका, मलावी और विक्टोरिया इन तीनों झीलों में सम्मिलित है। तुर्कान झील, इसे स्मरण करना थोड़ा सहज रहेगा। तुर्कान झील केन्या, तुर्कान झील का उद्गम स्थल केन्या में है। एक दो बातें और जिन पे इसी के साथ हम दृष्टिपात करेंगे, ये रिपब्लिक ऑफ कांगो है, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसी को जायरे के नाम से भी जाना जाता है। यहां से एक नदी निकलती है टंगनिका के आसपास से, जो जाकर के अटलांटिक महासागर में मुहाना बनाती है। इस नदी को भी जायरे नदी के नाम से ही जाना जाता है। जायरे नदी या कांगो नदी, पूछी जाती है, इसके पीछे एक विशेष कारण है। जायरे नदी या कांगो नदी, कांगो नदी, पहले इसकी अवस्थिति देख लीजिएगा। मध्य अफ्रीका में जायरे रिपब्लिक या रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये यहां पर एक नदी है जिसको जायरे या कांगो कहते हैं। ये आपकी भूमध्य रेखा गई हुई है जायरे से होते हुए, और यहां से ये नदी निकली है, इधर आई है, ऐसे जाकर के फिर ये अटलांटिक में अपना मुहाना बनाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये दो बार इधर से जाते समय, जब उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है तब, और फिर जब दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने, दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है उस समय, ये दो बार भूमध्य रेखा को काटती है। तो ये नदी दो बार भूमध्य रेखा को काटती है। दो बार भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? दो बार भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी जायरे नदी है। मकर रेखा, मकर रेखा को लिम्पोपो, यह प्रश्न ऐसे ही याद कर लीजिएगा, लिम्पोपो विजुअल है ये, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है।
हमारे यहां भी कोई गाड़ी चलती है तो पो पो करके चलती है, तो लिम पो पो मकर रेखा को दो बार, दो बार काटती है। जायरी नदी, जायरी नदी पे भी हम लोगों ने बात की थी, जायरी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। बांधों पे एक बार फिर फोकस करते हैं, सॉरी झीलों पर, तुर्कान झील केन्या में, टाना इथोपिया में, टाना झील से ही नीली नील नदी निकलती है, नासेर झील मिस्र में है, नासेर झील पर आसवान बांध बना हुआ है, विक्टोरिया झील, ये विक्टोरिया कट से निकलती है केन्या, युगांडा और तंजानिया, टंगनका झील तंजानिया में, मलावी झील ये भी तंजानिया, और भी देश हैं, लेकिन हमें प्रश्न ये पूछा जा सकता है निम्न में कौन सी झील तंजानिया के साथ सीमा साझा नहीं करती है, तो मलावी, टंगनका, विक्टोरिया और चौथी वो जो आपका उत्तर होगी। इधर आते हैं, यहां पे एक नदी है, यहां पे लिखा जा सकता है नाइजर नदी, वन लाइनर में हम लोग कभी कभी रिवर ऑफ पाम ऑयल, पाम तेल की नदी, तो उसमें नाइजर नदी को हम लोगों ने याद किया हुआ था। यहां पे गिनी की खाड़ी, ये भी स्मरण रखने योग्य है, ये गिनी की खाड़ी है और यहां पर नाइजर नदी आकर के गिनी की खाड़ी में ही मिलती है, नाइजर नदी अपना मुहाना गिनी की खाड़ी में बनाती है, तो नाइजर नदी पर भी एक बांध बना हुआ है, नाइजर नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका कैजी बांध, अफ्रीका के बांध सुमेलित करने के लिए आते हैं, कैजी बांध नाइजर नदी पर बना हुआ है और इसको तेल की नदी कहते हैं, तेल की नदी। नदियों पे कुछ और भी पढ़ते हुए अगला वीडियो जो हम लोग लाएंगे वो अफ्रीका के धात्विक खनिज, धात्विक एवं अधात्विक दोनों ही प्रकार के खनिज देखेंगे कि अफ्रीका में कहां कहां हीरे पाए जाते हैं, शायद उनमें से कोई हीरा आपके भी नसीब में हो। जय हिंद।